अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अफाक है। RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग प्लैटिनम सेल्स पार्टनर, टॉप परफॉर्मर्स और टॉप सेलर्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद और लाहौर स्मार्ट सिटी के। आज कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर मैं मौजूद हूँ और कुछ नई डेवलपमेंट साइट के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए एक वीलॉग प्लान किया था मैंने और मेरी जो क्रिएटिव टीम है उन्होंने, तो मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव वन की आपको डिटेल दूँ, आपको ओवरसी सेंट्रल की लैंड का बताऊँ कहाँ पर है, इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव टू कहाँ पर लाइक करेगा और सबसे इंपॉर्टेंटली जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा वो इंटरचेंज की लोकेशन होगी। तो आए चलते हैं और जाकर इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव वन की तरफ और एग्जीक्यूटिव वन का जो ब्रिज अभी मैनेजमेंट ने कम्प्लीट किया है उसकी कुछ फुटेजेज आपको दिखाते हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पर मेडिकल क्लिनिक है, एक है जो कि 5 फ्लोर्स का है और 100 बेड्स के लिए ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और एक ये एक मिनी मार्केट आप कह लें। अच्छा, ये जहाँ जैसे ही आप ए ब्लॉक के एंड पर पहुँचते हैं एक बुलेवार्ड इंटरसेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव को और ओवरसीज ब्लॉक को। अभी हम लोग ये भी कच्चा रास्ता लेकर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये रोड्स भी आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर नज़र आएंगे। वैसे इस वक्त आप अगर ओवरसीज प्राइम से एक्सेस करें तो आप उस ब्रिज तक आ सकते हैं, लेकिन अभी जो एसॉल्ट है रोड का वो होना बाकी है। तो उसके बाद आप आराम से ओवरसीज प्राइम सेंटर होके एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और वही जो आपका बुलेवार्ड जा रहा है वो स्ट्रेट अवे इंटरसेक्ट करेगा आपका मेन बुलेवार्ड को और आप इंटरचेंज को एक्सेस कर लेंगे। बल्कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये राइट साइड पे रोड जो है वो कंप्लीट भी हो रहा है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली जो आपका ट्रैवल टाइम है वो कम भी हो जाएगा। इसके अलावा ये आप सामने जो लाइट्स देख रहे हैं, ये जो लाइट्स ऑन भी हुई हैं इस टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स, ये ओवरसीज प्राइम के एरिया की हैं, और ये जो ओवर हेड वाटर टैंक आप देख रहे हैं ये भी ओवरसीज प्राइम के अंदर ही बन रहा है। बाकी इस एरिया पे जो आपके लेफ्ट साइड पे है ये एरिया कैपिटल हिल्स है, और यहाँ पर कंपनी कुछ विलास शायद लॉन्च करेगी इन फ्यूचर और फार्म हाउसेस का सिनेरियो बन सकता है इस जगह पर। बाकी अगर आप दिखा सकें तो ये मशीनरी यहाँ पे खड़ी हुई है, और इस मशीनरी के अलावा रोड का जो एसफॉल्ट है वो वहाँ पर सामने हुआ हुआ है अगर आपको नज़र आ रहा हो। हम कंटिन्यू करते हैं एग्जीक्यूटिव वन की तरफ इस टाइम पर। कैपिटल स्मार्ट सिटी की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर एक दिन भी काम जो है ना वो रुका है, और ना मैनेजमेंट ने ऐसा कोई काम किया कि काम को रोका जाए, यहाँ पर मुसलसल काम चल रहा है। 18 अगस्त 2018 को यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, और आज 19 मार्च है, और 19 मार्च 2022 को मैं आपको ये फुटेजेस दिखा रहा हूँ। और डेवलपमेंट का काम आप आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी लैंड के ऊपर और ऐसी लैंड के ऊपर डेवलपमेंट करना आसान काम नहीं है, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड एक कॉम्पिटेंट अदारा है, और वो डेवलपमेंट जो है फास्ट पेस पे रखे हुए हैं। बाकी बीच में इस टाइम पे लेफ्ट साइड में हमारे सिल रिवर का जो पानी है बेसिकली ये गुजर रहा है यहाँ से, और यही चाहान डैम का स्पिलवे भी है जहाँ से स्पिलवे से पानी सारा आपका निकलता है। आने वाले वक्त में ये सारा रोड जो है आपको प्रॉपर एसफॉल्ट रोड मिलेगा, बेल्टेड होगा इंशाल्लाह ताला, और आप इस पर ट्रैवल कर सकेंगे। ये बेसिकली एक अंदर से कनेक्टिविटी दी जाएगी ओवरसीज और एग्जीक्यूटिव को, जो ओवरसीज ईस्ट है और एग्जीक्यूटिव वन है। बाकी अगर आप देख सकें तो बिल्कुल मेरे सामने कवर्ड वाटर टैंक है, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी में है, और इसकी बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो 5 मल्ला के विलास अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनकी अब सिर्फ फिनिशिंग रह गई है। बाकी ये मशीनरी काम कर रही है यहाँ पे, और मेन मकसद इस साइट पे आने का असल में ये था कि काफ़ी लोग एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आपसे पूछते हैं कि एग्जीक्यूटिव की डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, तो उनको वो ब्रिज दिखाना है कि उस ब्रिज की वजह से एग्जीक्यूटिव की जो बेसिकली पोजेशन थी वो थोड़ी डिले की गई थी ताकि एक्सेस जो है वो डायरेक्टली लोगों को मिल जाए अपने प्लॉट पर आने का, फ्यूचर में जो घर बनाएंगे उस घर के लिए। बाकी सुई गैस की NOC भी आ चुकी है, आइस्को से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी NOC आ चुकी है, और 20 कनाल्स की लैंड जो है वो एक फीडर के लिए अलॉट कर दी गई है आइस्को को। बाकी पे ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और सबमिट कर दिए जो भी इनकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है।
ताकि अगर आप ये देखें तो ये ब्रिज कंप्लीट है और अब रोड का एस्फॉल्ट होने के बाद इंशाल्लाह ताला ये नॉर्मल ट्रैफिक के लिए ओपन कर दी जाएगी और आप स्ट्रेट अवे वसीस प्राइम से एग्जेक्टिव वन से मेन बुलेवार्ड और मेन बुलेवार्ड से आप आगे लेफ्ट लेके इंटरचेंज की लोकेशन पर जा सकें। ये कनेक्टिविटी सेम ओवरसीज ईस्ट के अंदर भी है और ओवरसीज ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो एग्जेक्टिव वन और इसके बाद ओवरसीज सेंट्रल एग्जेक्टिव टू ये सब मेन रोड्स के साथ कनेक्टेड हैं ताकि किसी किस्म की कोई जो आपकी एक्सेसिबिलिटी है वो इफेक्ट ना हो। तो टोटल 28 किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। इसके अलावा मैं आपको एंड पे कुछ और मज़ीद चीज़ें बताऊंगा जो कि बिल्कुल हमारे यूज़र्स के लिए न्यू होंगी और आज से पहले ना इन्फॉर्मेशन वो किसी ने उनको दी है और ना उन तक पहुंची है। ये हम ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं जी और अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो मेरे एक कोलीग हैं उन्होंने इस ब्रिज के ऊपर वीडियो बनाई थी जिस टाइम पर इसकी पाइलिंग चल रही थी। ओवरसीज की मॉस तो आप सब ने देखी है, बहुत सी वीडियोस में आपको दिखाई भी गई है और वहाँ पर माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज जो है बजमात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये एग्जेक्टिव वन की जी मस्जिद है और एग्जेक्टिव वन की मॉस जो है वो सामने ये भी इस टाइम पे 3rd स्टोरी तक पहुँच चुकी है। ये मेरे राइट साइड पे अगर देखें तो ये ब्रिज स्ट्रेट है ओवरसीज प्राइम को कनेक्ट कर रहे हैं और ओवरसीज प्राइम को कनेक्ट करने के लिए और आपका एग्जेक्टिव को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज की बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 ब्रिजेस लेके आ रहे हैं ताकि हर ब्लॉक को उसका सेपरेट एक्सेस मिल सके। और इसके अलावा इस जगह की आप खूबसूरती सिर्फ चेक करें, इस टाइम पे शाम के 5:40 हुए हैं और माशाल्लाह ग़ुरूब आफ्ताब भी पास पास है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे पीछे माउंटेंस हैं, माउंटेंस रेंज है, उसका भी नज़ारा है। तो एग्जेक्टिव ओवरसीज प्राइम और उसके बाद ओवरसीज ईस्ट ये सब ब्लॉक्स आपके ये खूबसूरती इंशाल्लाह विटनेस कर सकेंगे जब यहाँ पर रहेंगे। मेरे लेफ्ट साइड पर भी काफ़ी जो हैं पहाड़ियाँ मौजूद हैं तो लैंड की खूबसूरती यहाँ पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरती यहाँ पे बहुत प्यारी भी है। उसके अलावा टेम्परेचर वाइज आप जब भी कैपिटल विजिट मैं करता हूँ मैं नॉर्मली टेम्परेचर भी नोट करता हूँ तो यहाँ पर मिनिमम 2 डिग्रीज़ का डिफरेंस होता है नॉर्मली, ठीक है जी। अभी मैं ये थोड़ा सा आपको बस विलास की तरफ लेके आया था, मैंने कहा आपको एग्जेक्टिव वी ब्लॉक का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ अगर जो बुलेवार्ड इंटरचेंज की तरफ जा रहा है अगर उस तक मेरा एक्सेस होता है तो मैं आपको सिर्फ एक रफली आइडिया दे सकता हूँ इस टाइम पे क्योंकि काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो शायद मेरी गाड़ी वहाँ पर ना जा सके क्योंकि 4x4 नहीं है। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ने 4x4 दी तो आपको हर जगह लेके जाया करेंगे साइड के ऊपर। बाकी एक दफ़ा आज से बल्कि पिछले रमज़ान में मुझे याद है हमारे एक बड़े अच्छे वीडियो जो हमारी टीम है क्रिएटिव टीम है उसके मेंबर थे वो मेरे साथ वीडियो शूट करने आए और वो वीलॉग ही था और हम लोग यहाँ पे एक रेत के टीले में फंस गए थे। तो मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि आपकी सिचुएशन देख लें कि इस टाइम पे रोड्स का एक्सेस जो है वो इतना स्ट्रांग है कि आप जहाँ पे लेके जाना चाहें गाड़ी लेके जा सकते हैं, कोई किसी किस्म का ट्रबल नहीं है। बाकी ये इस तरफ जाने का मकसद ये है कि ये बुलेवार्ड अगर आप साथ देखेंगे मेरी राइट साइड पर तो ये सारा बुलेवार्ड जो है इस टाइम पर इसके ऊपर एस्फॉल्ट का काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा और ये बुलेवार्ड आपको स्ट्रेट अवे मेन बुलेवार्ड लेके जाएगा जो कि 400 फीट का है, ठीक है, और 18 लेन्स का वो बुलेवार्ड होगा और वहाँ से आप अपने इंटरचेंज की लोकेशन जो है वो एक्सेस कर सकेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बाकी डेवलपमेंट का काम जो है वो आप देख सकते हैं, हर ब्लॉक के ऊपर काम चल रहा है और कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसके ऊपर कंपनी ने पेस स्लो रखी हो या उसके ऊपर काम ना कर रहे हो। तो माशाल्लाह से ये एक बड़ा एडवांटेज है हबीब रफीक का क्योंकि एक्सपीरियंस टीम और जिस टाइम पे आपके पास जितने भी मशीनरीज इक्विपमेंट्स वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो तो आपके काम को कभी ब्रेक नहीं लगती। अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये भी एक बुलेवार्ड कनेक्ट करता है इस बुलेवार्ड को आके। इनके भी जो है वो जो नेम्स हैं बेसिकली वो मैप के ऊपर सेट कर दिए गए हैं
लेकिन प्रॉपर नेम्स जो है वो इंशाल्लाह अनकरीब कंपनी डिस्क्लोज कर देंगे। अगर आप इस टाइम पे देख रहे होंगे तो इस टाइम पे हर तरफ आपको मशीनरी काम करती हुई नज़र आएगी। जो लोग कहते हैं जी कैपिटल की साइड पे काम की पेस लो है, काम हो नहीं रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपके सामने मैं इस टाइम पे वीलॉग बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इन लोगों को कहा कि मैंने वीडियो बनानी है, आप लोग यहाँ पे काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम जो ये बुलेवार्ड जा रहा है मैं इसके साथ साथ लेके चल सकूँ, ठीक है। और इंटरचेंज की लोकेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कैप जो NHA ने अलॉट की है, वो आप अपने गूगल मैप्स के ऊपर भी डालकर लोकेशन देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये बुलेवार्ड स्ट्रेट अवे चल रहा है और वो वहाँ पे गाड़ी जा भी रही है। बीजिंग प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। बाकी अगर आप देखें तो आपको हर तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट नज़र आएगी और यहाँ पर जो काम चल रहा है वो काम आपको नज़र आएगा। ये जो मेरे लेफ्ट का रास्ता जा रहा है ये भी कैपिटल की साइट की तरफ जाता है और ये बेसिकली लिंक करेगा ओवरसीज सेंट्रल को। इसके अलावा आज का मेन मकसद और फोकस यही था कि हम आपको ये दिखाएं, ये भी किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन मेरे राइट साइड पर चल रही है और बाकी ये सब रोड्स आपके सामने इन्होंने साथ साथ काम स्टार्ट किया हुआ है रोड्स के ऊपर और रोड्स बना रहे हैं। अपना क्रश है, क्रश बेसिकली या ये लोग अपना ही यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं। बाकी ये लेबर कैंप्स आ गए, मेरी लास्ट वीडियो में आपको याद होगा उस टाइम पर ये लेबर कैंप्स जो हैं इसका सिर्फ मेरे ख्याल से 3-4 इंच की एक दीवार चढ़ी थी उस टाइम पर, आज ये कम्प्लीट है और यहाँ पर लेबर की जो रिहाइश है वो मौजूद है साइट के ऊपर। इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे जो नंबर्स हैं, एक मैं रफली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कम से कम आप अंदाज़ा लगा लें अराउंड 7,000-8,000 लेबर जो है वो काम कर रहे हैं और मशीनरी जो है इस टाइम पे 10,000 प्लस तक जा चुकी है। बाकी मेरी ट्राई है, मैं बेसिकली आपको जिस जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ अगर वहाँ तक हम जा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको मैं वो भी जगह दिखाता हूँ। ये अब आगे सारी कटिंग और ये काम देखेंगे, ब्लास्टिंग वगैरह का चल रहा है, बुलेवार्ड्स काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की काम जो है वो आप जब तक साइट पर आएंगे नहीं तब तक आप विटनेस नहीं कर सकते। और अभी 7 मार्च 2022 को जो NHA का फाइनल लेटर मिला है, जो फॉर्मल अप्रूवल दिया उन्होंने इंटरचेंज का, अगर आप उसको देखते हैं तो उसके बाद से कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट वैसे ही बूम पर आ गई है दोबारा। और इसी बूम का हम लोग बताते थे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो आपकी इन्वेंट्रीज लोगों के पास पड़ी हुई हैं ये इंशाल्लाह प्रॉफिट पर जाएंगी, जो अपना ट्रस्ट है वो कायम रखें मैनेजमेंट के ऊपर, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे एंड के ऊपर चीज़ें मिलेंगी होते हुए। और आज वो चीज़ पूरी होती नज़र आ रही है। बाकी जैसे ही ये इंटरचेंज का काम स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कितनी जल्दी से यहाँ पर आपको रिहाइश भी नज़र आएगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, और उसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एप्रिसिएशन भी नज़र आएगी। इस वक्त मैं जो साइट के ऊपर जिस जगह आपको लेके जाना चाह रहा हूँ बेसिकली, पहले हम लोग वो प्रॉपरली डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि NHA का फॉर्मल अप्रूवल भी आ गया है और जो क्लाइंट्स हमारे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी या जो लोग वेट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आज आपको इंटरचेंज की लोकेशन बताना चाह रहा हूँ कि इंटरचेंज बेसिकली इंशाल्लाह कहाँ पर बनना स्टार्ट होगा। और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रोड जो है ये स्ट्रेट अवे आपको लीड करता है आपके इंटरचेंज के ऊपर, और ये लेफ्ट साइड पर आप देखें सारी डेवलपमेंट
कैपिटल स्मार्ट सिटी की हो रही है। ये जितनी आप लेफ्ट राइट देखें, बैक साइड पे देख लें, ये सब फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स की लैंड है जी, ठीक है। मेरे राइट साइड पे भी अगर आप मशीनरी का व्यू देखें तो सामने सारी सारा काम जो है वो सामने हो रहा है साइड के ऊपर। इसके अलावा जो हमारा मेन एक्सेस है बेसिकली, जिसका प्रॉमिस मैनेजमेंट ने भी किया हुआ था और हम लोग काफ़ी अरसे से अपने क्लाइंट्स को बताते थे कि इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज 110% आएगा, और आज वो जो ख्वाब लगता था वो हकीकत का रुख अख्तियार कर चुका है और माशाल्लाह हकीकत बनने जा रहा है, और बहुत जल्द हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे जी इंशाल्लाह। बाकी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दे दूँ, जितनी लैंड आप राइट और लेफ्ट पे देख रहे हैं ये फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स की ओनरशिप में लैंड है। मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे ये भी सारी जमीन जो है फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स, राइट साइड पे भी आपको सामने वो चॉकिंग नजर आ रही होगी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी लैंड जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी एक्वायर कर चुकी है जी। ये सामने यहाँ पे सारे लेबर कैंप्स हैं, आप लेबर कैंप्स को भी विटनेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा नज़र आए सामने वो ट्रैफिक जो जा रही है, ये मोटरवे की ट्रैफिक है, M2 मोटरवे, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2। हम लोग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ये चॉकिंग हुई है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड है जी। और इसके अलावा मैं आपको अभी जिस लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये हमारे इंटरचेंज की कंफर्म लोकेशन है, और मैं आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के अंदर से लेके आया हूँ, मैं आपको कहीं बाहर से नहीं लेके आया, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। बिराम अगर आप दिखा सकें हमारे क्लाइंट्स को और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लोग, तो वो देख सकते हैं कि मोटरवे हमारा जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसके ब्रिज के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो एक्सेस है ये आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर 7 मार्च को 2022 को हमें फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है NHA से, और इंशाल्लाह अब हम टेंडर आउट करेंगे, जो भी एक प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन देने का, कोई भी जो फर्म इसकी बिट करेगी और इसकी इसको जीतेगी इस टेंडर को, वो यहाँ पे हमें कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज इंशाल्लाह कंस्ट्रक्ट करके देगी। अगर आप बिराम दिखा सकें तो ये सामने सारा आपका टूवर्ड्स लाहौर ट्रैफिक मूव कर रही है इस टाइम पे, और जो सामने से ट्रैफिक आ रही है ये इस्लामाबाद की तरफ वापस आ रही है। इसके अलावा बोर्ड्स आपको कुछ नज़र आएंगे, लैंड की जितनी डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है सब कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट हो रही है जी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे की दूसरी साइड भी लैंड मौजूद है, और उस लैंड का मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है जी, ये बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं और जो प्रोजेक्ट के हवाले से लोग काम कर रहे हैं उनकी यहाँ पे रिहाइश है, यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। और अराउंड इस टाइम पे इस जगह पर भी हमारे पास अच्छी खासी लैंड मौजूद है जिसके ऊपर आने वाले अरसे में मैनेजमेंट शायद रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो अनाउंस करेगी नए ब्लॉक्स के अंदर जाकर।